कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज मेटल के बाजार के बारे में, आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है दिल्ली मुंबई के फिजिकल बाजार में, LME MCX की मार्केट में कैसी कीमतें चल रही हैं, विस्तार से आपको चीज की जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मेटल का जो बाजार है यहाँ पर कॉपर और पीतल में गिरावट बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं और लगातार एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद चाइना का बाजार अब खुला है, जिसके बाद अभी एकदम से बहुत ज्यादा तेजी जो है वो दर्ज नहीं करी गई है। निचले स्तर से बाजारों में खरीदारी करने के अच्छे लेवल आने वाले दिनों में निकल सकते हैं, लेकिन अभी कॉपर और पीतल के मार्केट में खास तौर से गिरावट बढ़ने का ही अनुमान है। सबसे पहले बात करते हैं एलएमई और एमसीएस के बाजार के बारे में। तो कॉपर में रेट एलएमई में 9,765 है, 836.50 रुपए एमसीएस का रेट है। एल्यूमिनियम के बाजार में 2612 रुपए का रेट एलएमई में, 239.65 रुपए का रेट एमसीएस में है। लेड में कीमतें 2127 है एलएमई में, 184.60 रुपए का रेट एमसीएस में है। जिंक के बाजार में 3113 रुपए का रेट एलएमई में, 284.40 रुपए का रेट एमसीएस में चल रहा है। सोने में 2661.90 रुपए का रेट कॉमेक्स में, 75,900 रुपए तक का रेट एमसीएस में चल रहा है। चांदी के बाजार में 31.67 रुपए का रेट कॉमेक्स में, 91,406 रुपए का रेट एमसीएस में देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल के मार्केट में 75.90 रुपए का रेट कॉमेक्स में, 6,390 रुपए तक का रेट एमसीएस में चल रहा है। दिल्ली के फिजिकल बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां से भी बहुत ज्यादा अभी आपको तेजी के साथ कारोबार देखने को नहीं मिलेगा। कॉपर के बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है। कॉपर केबल स्क्रैप में रेट 820 है, कॉपर आवेचा में रेट 808 है। एल्युमिनियम बर्तन में कीमतें 193 है, एल्युमिनियम पर्जे में रेट 176 है। जिंक के बाजार में जिंक हिंदुस्तान में कीमतें 292 है, लेड में रेट 183 है, अलाबीटी में कीमतें 199 है, बैटरी स्क्रैप में रेट 97.117 है, निकल का रेट 1500 है, टिन में कीमतें 2920 है, पीतल का रेट 534 है और SS बर्तन स्क्रैप में आप यहां से 64 रुपए तक का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। मुंबई के फिजिकल मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं इसके अलावा तो कॉपर केबल स्क्रैप में कीमतें 823 है, कॉपर आर्मेचर में रेट 800 है, एल्युमिनियम बर्तन में कीमतें जो चल रही है, एल्युमिनियम स्क्रैप में जो रेट देखा जा रहा है वो 198 है, ब्रास स्क्रैप में कीमतें 530 है, जिंक इंगट का रेट 292 है, लेड इंगट में कीमतें 191 है, निकल कैथोड में रेट 1525 है और टिन इंगट में रेट आप 2934 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में अभी जो आपको यहां से ट्रेंड देखने को मिलेगा उसमें बाजारों में आपको यहां से गिरावट देखने को मिलेगी। बाजारों में बहुत ज्यादा अभी तेजी दर्ज नहीं करी गई है और मार्केट में गिरावट के साथ ही बाजार खुला है। बात करेंगे खबरों में आगे की ट्रेडिंग रेंज क्या देखी जा रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल क्या देखे जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मॉर्निंग सेशन ज्वाइन नहीं किया है, 9:30 का लाइव सेशन अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मार्केट प्रेडिक्शन की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती रहती है कि कैसे कारोबार आने वाले दिनों में देखा जाएगा, टाइम टू टाइम कैसे आपको कारोबार करना चाहिए। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज के बारे में। तो कॉपर के रेट को देखते हुए सपोर्ट का एक अच्छा लेवल 808 है, रेजिस्टेंस लेवल 818 है, लेड के बाजार में 182 रुपए का सपोर्ट अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 184 है, जिंक में 290 रुपए का सपोर्ट अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 297 है, निकल में जो कीमतें हैं उसमें एक अच्छा सपोर्ट का लेवल निकल में 1480 है, रेजिस्टेंस लेवल 1520 चल रहा है। मार्केट में एक जरूरत के हिसाब से आप निचले स्तर से एक अच्छे लेवल को देखते हुए, अच्छे सपोर्ट को देखते हुए जरूरत के हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अभी मार्केट में तेजी दर्ज नहीं करी गई है और मार्केट में अगर आपको आने वाले दिनों के बारे में जानना है तो आपको हम बता ही चुके हैं कि आप मॉर्निंग सेशन ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।